एडजस्टमेंट में सर थ्री प्रीपेड एक्सपेंस या फिर अनएक्सपायर्ड या फिर सर रिलेटेड टू नेक्स्ट बस रिलेटेड टू नेक्स्ट हो मतलब अगले साल से रिलेटेड है ऐसा कुछ बोला जाए तो अगेन कितनी जगह होगा दो जगह सर कहां कहां दो जगह सर दो जगह जो होगा ना वो होगा या तो ट्रायल बैलेंस में ट्रायल बैलेंस में या फिर होगा इन एडजस्टमेंट में या तो गिवन होगा एडजस्टमेंट में सर अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो कितनी जगह जाएगा एक जगह और एक जगह जाएगा ये बैलेंस शीट के एसेट साइड बैलेंस शीट के एसिड साइड दूसरा जाएगा सर अगर एडजस्टमेंट में है तो आपको पता है कि दो जगह लेके जाना होता है हमें एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट ठीक है सर दूसरा जाएगा बैलेंस शीट सर प्रॉफिट एंड लॉस में कहां जाएगा ये लेस हो जाएगा फ्रॉम एक्सपेंस और बैलेंस शीट के कहा जाएगा सर एसेट साइड बैलेंस शीट के कहा जाएगा एसेट साइड जैसे फॉर एग्जांपल आपका मैंने कहा रेंट दे रखा है पहले से बीस हजार रुपए और मैंने बोला प्रीपेड रेंट दो हजार है तो उस बीस हजार जो आपने रेंट पीएंडल में लिखा है ना उसमें से दो हजार माइनस कर देंगे तो पीएनडल में रह जाएगा अठारह और दो हजार रुपए कहां चले जाएगा सर एसेट साइड में समझ में आ रहा है आपको तो so, ये था एडजस्टमेंट नंबर थ्री जो किससे रिलेटेड था सर प्रीपेड एक्सपेंस या या रिलेटेड टू नेक्स्ट नहीं इनकम नहीं एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस की बात कर रहे हैं इनकम पे तो अभी आए नहीं हम अभी सारा खर्चा चल रहा है ठीक है कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं एडजस्टमेंट नंबर फोर एडजस्टमेंट नंबर फोर ड्रीशिएशन इसको हम दो पार्ट में करेंगे देखिए जिसके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूं ना इसका एक और पार्ट आएगा ये कमिंग सून में मान लो आप इसके ऊपर भी डेप्रीशिएशन अगर हम डेप्रीशिएशन की बात करें तो सर अगेन ये दो जगह गिवन हो सकता है या तो गिवन होगा आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन इन ट्रायल बैलेंस सर दूसरा कहां गिवन हो सकता है एडजस्टमेंट में अगर ये आपका गिवन हुआ ट्रायल बैलेंस में तो कितनी एंट्री एक एंट्री और कहां जाएगा सर अगर डेप्रिसिएशन गिवन हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड <coughs> अगर हुआ ट्रायल बैलेंस में सॉरी एडजस्टमेंट में तो दो एंट्री सर तो दो एंट्री कहां बहुत सिंपल सी बात है एक तो चला जाएगा बैलेंस शीट में और एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस में एक चला जाएगा प्रॉफिट एंड सर बैलेंस शीट की अगर बात करें तो बैलेंस शीट में हो जाएगा लेस फ्रॉम एसेट फ्रॉम एसेट्स और प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड चला जाएगा सर एग्जाम्पल मान लेते हैं मशीनरी पचास हजार है एंड डेप्रीशिएशन टेन परसेंट है डेप्रीशिएशन कितने परसेंट है टेन परसेंट आंसर आप एसेट साइड में जाओगे सर एसेट साइड में जाने के बाद आप लिखोगे मशीनरी और पचास हजार यहां से माइनस कर दोगे डेप्रीशिएशन पांच हजार और बैलेंस शीट के एसेट्स में बच जाएगा अब बताइए पी एंड एल में कितना जाएगा पी एंड एल में चला जाएगा हमारा हजार रुपए क्लियर है ये था एडजस्टमेंट नंबर फोर इसका सेकंड पार्ट आते हैं जब प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन देता है ये सिर्फ था डेप्रीशिएशन इसके बाद देखेंगे हम प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन